एबीपीएस न्यूज सच का साथी। कंप्यूटर ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा लखनऊ इको गार्डन पर लोक निर्माण विभाग में लगभग 566 कंप्यूटर ऑपरेटर विगत 15 से 20 वर्षों से लगातार कार्य कर रहे हैं, जिनको आउटसोर्सिंग ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से शोषण किया जा रहा है। उनका शारीरिक शोषण हो रहा है, उनको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ रहा है। कंप्यूटर ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी संविदा कर्मचारी अपनी भुखमरी की कंडीशन पर है, नहीं तो इसकी चिंता उत्तर प्रदेश सरकार को है, ना ही लोक निर्माण विभाग को या किसी अधिकारी को इस मामले में कोई दिलचस्पी लेते हुए देखा जा सकता है। हमारे साथ सभी कंप्यूटर ऑपरेटर भाई यहाँ पर खड़े हुए हैं और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ के नीचे अपने 10-15 वर्षों से जो समस्याएं हैं, समस्याएं भी इतनी विकराल हैं कि हम लोगों से कोई सुनने वाला है नहीं। आज पूरा लोक निर्माण विभाग हमारे सभी साथियों द्वारा संचालित किया जा रहा है। हम ही नहीं बल्कि हमारे अफसर भी ये कहते हैं कि विभाग में इनकी भरपूर आवश्यकता है। पूरा विभाग कंप्यूटर ऑपरेटरों द्वारा ही संचालित किया जा रहा है, किंतु हमारे भविष्य के को लेकर कोई विचार नहीं करना चाहता। हमारी वार्ता विगत 10 वर्षों से चल रही है, लेकिन अभी तक कोई निस्तारण नहीं हो पाया। हमारे विभागाध्यक्ष महोदय द्वारा भी हमें पूर्ण रूप से आश्वासन दिया गया है और उनके द्वारा पूर्ण प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं हो पाई। आपने विभाग को ज्ञापन दिया कि नहीं? हाँ, दिया हुआ है। ज्ञापन दिया हुआ तो उस पर क्या रिस्पांस मिला? रिस्पांस अभी ये है कि अभी सिर्फ पत्रावली चल रही है, कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। अगर निष्कर्ष नहीं निकलता तो आप क्या करेंगे? अब यही है, हम लोग यहाँ पर राज्य कर्मचारी महासंघ के नीचे अपना समस्या हम लोगों ने बताई है और इन्हीं के कहने पर हम लोग अपना क्या इसका आने वाला 2019 जो चुनाव में क्या कुछ असर दिखेगा? असर पड़ेगा हम लोगों ने, जिस क्योंकि क्या सरकार भूल रही कि अभी जो यहाँ विगत उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला था, इसमें लक्ष्मण मेला मैदान में 14 लाख कर्मचारियों ने, संविदा कर्मचारियों ने, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने वहाँ पर धरना दिया था और सरकार को पूरा अपना सहयोग देते हुए अपेक्षा की थी कि शायद सरकार हम लोगों को कुछ सुनेगी, लेकिन नहीं। सरकार बनते ही सरकार ने बिल्कुल बच्ची के तरीके से हमको अलग कर दिया और हमारी कहीं सुनवाई नहीं होती, जबकि पूरा का पूरा आज सिर्फ मैं आपको जानता हूँ लोग विभाग के स्तर पर और इसी तरह प्रदेश में अन्य विभागों में भी पूरा का पूरा आज के समय पूरा प्रदेश सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर या संविदा या आउटसोर्सिंग कर्मचारियों द्वारा ही चलाया जा रहा है, जिस पर विभाग का या सरकार का कोई पर्याप्त रुख नहीं। आउटसोर्सिंग बंद कर सरकार में सेवा भी दे रहा है, लेकिन हम लोगों की पिछली सुविधा नहीं है, हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और ज्ञापन भी दिए हैं कई बार, लेकिन खाली आश्वासन के नाम पे कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे कर्मचारी एसोसिएशन ने हमको अपने समय दिया है कि आप लोग भी इसका साथ दें और हम लोग आपके साथ सहयोग करेंगे, भरपूर सहयोग करेंगे। आउटसोर्सिंग से हमारे कंप्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन के सभी कंप्यूटर ऑपरेटरों का बृहद शोषण हो रहा है, इस शोषण को बंद करने के लिए हम लोग ये इस रैली में आज सम्मिलित हुए हैं और सरकार को ज्ञापन देंगे। अपने लोक निर्माण विभाग मंत्री से मिले कि नहीं मिले? लोक निर्माण हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं वो मिले हैं। उन्होंने क्या बोला? आश्वासन आश्वासन ही दिया। अभी हमारे एजेंसी महोदय ने एक लेटर भी लिखा हम लोगों के समायोजन के लिए, आपने करने के लिए, लेकिन उस पर कुछ कार्रवाई शासन से नहीं हुई है। अगर कोई उत्तर नहीं मिलता तो अब आगे क्या कोई बड़ा? हम लोग फिर धरना देंगे, एकत्रित होंगे।